जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम रुपए पैसे की जोड़ और घटाव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं, जोड़िए और कीजिए। अब पहला प्रश्न है हमारा कि राजू के पास 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्के हैं, तो उसके पास कुल कितने रुपए होंगे। राजू के पास, अब देखो बच्चों, रुपए कितने हैं, 5 रुपए हैं एक तो, और एक 2 रुपए हैं, और 1 रुपए के सिक्के हैं, तो कुल रुपए कितने हैं वो ज्ञात करना है। 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 रुपए। तो राजू के पास कुल कितने रुपए हैं, 8 रुपए। तो 8 रुपए के कुल कितने थे, 5 का सिक्का था, 2 का सिक्का था और 1 का सिक्का था, तो कुल कितने हो गए, 8 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 है, काली के पास 20 रुपए का एक नोट, कितने रुपए का, 20 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का एक नोट व 2 रुपए का एक सिक्का है वो, तो उसके पास कितने रुपए होंगे। तो देखिए 20 और 20 कितने हो गए, 20 और 10 कितने हो गए, 30, 30 और सिक्का कितने का है, 2 का, तो 30 और 2 कितने हो गए, 32 रुपए। तो काली के पास कुल कितने रुपए हो गए, 32 रुपए। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि मनसुख के पास 10 रुपए का एक नोट है, कितने रुपए का, 10 रुपए का एक नोट है, 5 रुपए वो 1 रुपए का एक एक सिक्का हो, तो कितने रुपए होंगे। तो देखिए जोड़ कर दीजिए, 5 और 10 कितना हो गया, 15, 15 और 1 16, तो कितने रुपए हो गए, टोटल 16 रुपए। फिर प्रश्न संख्या 4 है कि नाथी अपने पर्स से 50 रुपए का एक नोट एवं 5 रुपए का एक सिक्का निकालती हो है, तो कितने रुपए निकाले। देखिए 50 रुपए का एक नोट निकाला और 5 रुपए का सिक्का निकाला, तो 50 और 5 कितना हो गया, 55, तो कितने रुपए निकाले नाथी ने अपने पर्स से, 55 रुपए। बताइए कितने रुपए के बराबर है। अब देखिए खुले रुपए दिए हुए हैं हमारे पास, कुछ सिक्के हैं और कुछ नोट है, तो हमें गिन के बताने हैं कि कितने रुपए के बराबर है। देखिए 5 का सिक्का है, 2 के 2 सिक्के हैं और 1 का सिक्का है, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10, तो कितने रुपए के बराबर है। पहले रुपए हैं, पहले जो सिक्के हैं वो 10 रुपए के बराबर हैं, ठीक है। फिर दूसरे में है 10 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है और 1 का सिक्का है, तो आइए गिनते हैं कितने रुपए के बराबर हैं। 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18 रुपए। कितने रुपए के बराबर है, 18 रुपए के बराबर है। फिर है तीसरे में 20 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 2 का सिक्का है और 2 का सिक्का है, तो देखिए 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 और 2 32, 32 और 2 34, तो ये हो गए 34 रुपए के बराबर। फिर चौथा है 50 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का सिक्का है, 5 का सिक्का है और 2 का सिक्का है, तो 50 और 10 कितना हो गया, 60, 60 और 10 70, 70 और 5 कितना हो गया, 75, 75 और 2 कितना हो गया, 77, तो ये हो जाएंगे 77 रुपए के बराबर। ठीक है,